पंचायती राज चुनावों के तहत लगाई गई आदर्श आचार संहिता भी हटा दी गई है। एक बुजुर्ग ने एक जवान व्यक्ति को उठा लिया। क्या प्रधान बन गए हम? बल्ले बल्ले बढ़िया काम कराओ जी, सरपंच मारा कर गए। बहु पंच बन गई, केला गया चौथर बहु का हाथ माजे की घर की बहु के हाथ में रह गई चौथर। तो सत्यनिष्ठा से ज्ञान जनता हूँ की मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। छह महीने बाद में आके आप गांव को देख लियो भाई, अब क्या हालात है, छह महीने बाद में क्या हालात रहेगी, क्या लग रहा है, करवा देंगे छह महीने के अंदर काया पलट। ईश्वर की शपथ थी तब आप कहते कि ऊपर कर लो, अब परवाज निकालनी थी विसारी औरतें घूंघट निकालने। सबसे युवा सरपंचों के अंदर इनकी गिनती होती है? बिल्कुल मिलन सर है जी, आप जहाँ सारे खड़े हैं ना, ये मेरी मम्मी का बनाया हुआ है। बिल्कुल करा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे, पक्के हैं जी, पक्के जरी जरी पक्का पक्का पक्का। हरियाणा में छोटी सरकार की कमान संभालने से पहले पंचायती राज चुनावों के अंदर नव निर्वाचित जितने भी मेंबर्स बने हैं, जितने भी पंच सरपंच बने हैं, जितने भी जिला परिषद बने हैं, उनको आज शपथ दिलवाई जाएगी। तो आप सामने की तरफ देख सकते हैं, इस वक्त हम हिसार के गंगवा गांव के अंदर मौजूद है, जहाँ पर 10 महिला सरपंच पंच बनाई गई हैं, तो वहीं जो है 10 पुरुष पंच बनाए गए हैं। ईश्वर की शपथ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और मैं पंच के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। इस वक्त हम हिसार जिले के गंगवा गांव के अंदर मौजूद है, जहां पर अभी अभी 10 महिला पंचों को शपथ दिलवाई गई है, तो वहीं 10 पुरुष पंच जो कि वार्ड से चुने गए हैं उन्हें भी अभी शपथ दिलवाई जा रही है। इसके बाद सरपंच का शपथ ग्रहण समारोह जो है आयोजित किया जाएगा। हालांकि अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा देखने वाली बात ये है और सबसे ज़्यादा अलग बात इस बार पंचायती इलेक्शंस के अंदर ये रही कि इस बार जो है तीन स्तरीय शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पहले तारीख पंच और सरपंच की 2 दिसंबर रखी गई थी, लेकिन 2 की जगह अब 3 दिसंबर पंच और सरपंच की जिला परिषद और ब्लॉक समिति के साथ ही जो है शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन एक ही जगह किया जा रहा है। हालांकि बात की जाए अब इसकी शपथ ग्रहण समारोह की, तो मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री जो हैं वो मिल करके शपथ ग्रहण समारोह के अंदर ऑनलाइन तरीके से शिरकत करेंगे और ऑनलाइन तरीके से ही शपथ दिलवाएंगे। हालांकि हरियाणा के 22 जिलों में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। इस दौरान 6201 सरपंच हैं, साथ ही साथ 59,233 पंच हैं, तो वहीं 22 जिलों के अंदर पंचायत समिति सदस्यों को शपथ ग्रहण और प्रबंधों के लिए पूरा प्रशासनिक अमला अलग अलग जगहों पर भी मुस्तैद किया गया है। अगर बात की जाए इस बार इलेक्शन की, तो आपको बता देते हैं कि इलेक्शन के दौरान गांव के सभी लोग जो है एक ही जगह के ऊपर इकट्ठा किए गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से 2 दिसंबर की जो तारीख थी उसे बदल करके 3 दिसंबर कर दिया गया, ताकि तीनों जिला स्तरीय इस बार जो पंचायत इलेक्शन का शपथ ग्रहण समारोह है वो एक ही जगह पर करवाया जा सके। तीनों ब्लॉक समिति, साथ ही साथ जिला परिषद, साथ ही साथ पंच और सरपंच का शपथ ग्रहण समारोह एक ही जगह यहाँ पर करवाया जा रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त जो है पंचायती संरक्षक भी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को जो है अच्छी तरीके से देख रहे हैं, वही जो है शपथ दिलवा रहे हैं पंच और
पंचों को और सरपंच को जो है मुख्यमंत्री ऑनलाइन माध्यम से शपथ दिलवाएंगे। तो इस वक्त गंगवा गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद है जिन्हें शपथ दिलवाई जा रही है। साथ ही आप देख सकते हैं कि पंचायती संरक्षक शपथ दिलवा रहे हैं। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं सरपंच पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक व शुद्ध अंतर्करण से निर्वहन करूंगा। मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इनमें जिला परिषद सदस्यों को डीसी शपथ दिलवा रहे हैं, तो वहीं ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति सदस्यों को कई जगह आईएएस अधिकारी और एचसीएस अधिकारी शपथ दिला रहे हैं। वहीं पंचों और सरपंचों के लिए गांव के स्कूलों में या फिर ग्राम सचिवालय के अंदर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। ग्राम संरक्षक ने अभी जो है गंगवा गाँव के सरपंच को शपथ दिलवा दी है। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना ज़्यादा उत्साह है। एक बुजुर्ग व्यक्ति माला तक जो है इनके लिए लेकर के आए हैं। साथ ही साथ ग्राम स्तर के लिए आयोजन पर 10,000, पंचायत समिति के लिए 15,000 और जिला परिषद के लिए 25,000 रुपये खर्च करने की अनुमति प्रदान की गई थी। हरियाणा के अंदर आज पंचायती राज चुनावों के तहत लगाई गई आदर्श आचार संहिता भी हटा दी गई है। इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव ने पत्र जारी भी कर दिया है। साथ ही साथ आपने देखा किस तरीके से बुजुर्ग जो है अपनी खुशी बयां कर रहे हैं और गंगवा गांव के सरपंच को अपनी गोदी के अंदर उठा लिया था। एक बुजुर्ग ने एक जवान व्यक्ति को उठा लिया। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो कैसा लग रहा है आज सरपंच बन गया है गाँव का? प्रधान बन गए हम। बल्ले 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 बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है कि जो ये नौजवान सरपंच बना है विकास कार्य कितने करवा पाएगा? बताता हूँ, कम छूटता है। ये सारे गांव का सब विकास, सबसे ज्यादा विकास ये सरपंच हमारा भवन सरपंच कराएगा। हर काम का पूरा विकास, हर विकास जो ना को किसी के सरपंच ने ना कराया आज तक ना करा सके होगा, सारे विकास ही अब हो गए। बिल्कुल, आपको बता देते हैं आखिरी बार 2016 के अंदर सरपंच पद की शपथ ली गई थी। उसके बाद 2021 के अंदर ये सारी के सारे शपथ जो है हट गई थी क्योंकि अभी 2 साल से इलेक्शन नहीं हुए थे। और अगर आज 2022 की बात की जाए तो 2022 के अंदर 3 दिसंबर को एक बार दोबारा से सरपंची का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था, जिसके अंदर उत्साह आप लोगों का देख सकते हैं। गंगवा गांव के सरपंच भगवान दास जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भगवान दास जी, मुझे ये बताइए, लगभग 7 साल का समय हो चुका है पिछली 2016 के अंदर सरपंची की शपथ दिलवाई गई थी और उसके बाद आज शपथ लेकर के कैसा लग रहा है? ये पूरे गांव राम का पूरा स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है जी। और विकास की बात करवाई जाए तो अब जो है विकासशील कार्य गाँव के अंदर तरक्की से हो सकते हैं, तो कितने विकासशील कार्यों के ऊपर आप नजर दौड़ाने वाले हैं? 6 महीने बाद में आके देख लियो, गांव का नक्शा चेंज मिलेगा आपको। बड़ी घोषणा जो है भगवान ऋषि के द्वारा की गई है। 5-7 दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से पता चला था हमारी ग्राम सचिवालय के अंदर कितने कूड़ा करकट के ढेर लगे थे, गोबर के ये थेपड़ी वगैरह। अब देख लो क्या रहा था, दिन तो चार ही हुए हैं और शपथ अभी ली है, शपथ तो अभी ली है ग्राम सचिवालय, देख लो आप। आगे आने वाले दिनों के अंदर और कौन से ऐसे तरक्की के आप काम करवाने वाले हैं जो सभी गांवों के सरपंच देखते रह जाएंगे कि गंगवा गांव का एक ही ऐसा सरपंच बना है जिसने ऐसा काम करके दिखाया? 6 महीने बाद में आके आप गांव को देख लियो भाई, अब क्या हालात है, 6 महीने बाद में क्या हालात रहेगी, क्या लग रहा है करवा देंगे 6 महीने के अंदर काया पलट? बिल्कुल करा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे, पक्के हैं जी, पक्के जरी जरी पक्का 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 सरपंच की अगर बात की जाए, लगभग 7 साल के बाद गांव के सरपंच बने, क्या उम्मीद रखते हैं इनसे? इनसे सारी उम्मीद है जी, जितने हमने सोचा था ना उनसे ज्यादा उम्मीद, ज्यादा उम्मीद है जी इनसे हमें। हाँ जी, बढ़िया पूरे पंचू राजकुमार, बहुत बढ़िया। इसकी मम्मी ने भी बनाएंगे, अगली योजना फिर बनाएंगे। अच्छा हाँ जी,
बहुत बढ़िया काम करेंगे। कोई बहस बहस किसके साथ नहीं है, साफ सुथरे छवि के लड़के हैं, बहुत ही बढ़िया भुगानदास हमारे सरपंच बने, बहुत ही बढ़िया काम। मेरी ख्याल से सबसे युवा सरपंचों के अंदर इनकी गिनती होती है। बिल्कुल मिलनसार है जी, मिलनसार। मम्मी भी थी था, बहुत बढ़िया काम करी है इसकी मम्मी ने भी हमारे पूरे गाँव के अंदर। बहुत अच्छा काम करवाया था, तो दूसरी बार इनकी मम्मी को ही क्यों नहीं जितवाया? अब लेडीज में अब जेंट्स में आई है जी। जहाँ पक जहाँ सारे खड़े हैं ना, ये मेरी मम्मी का बनाया हुआ है। तो ग्राम सचिवालय भगवान दास जी का कहना है कि इनकी माता के कार्यकाल के अंदर ही ये बनाया गया था। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ पीछे की तरफ मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए जी, पंच की शपथ लेकर के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। घूंघट के अंदर विकास करा देंगी जी? घूंघट की तरफ करा देंगे। अच्छा, इनका तो फिर भी नेट का दुपट्टा है, दिख जाएगा। आपको कैसे दिखेगा? दिखाई दे रहा है, ऐसे कर लेंगे हम। दुपट्टा ऊंचा कौन करवाया? पहले करवाना था आपने भी? नहीं थी तब आप कहते कि ऊपर कर लो। आपको रुआज निकालनी थी विसारी औरतें घूंघट निकालने। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के दुपट्टे घूंघट ऊपर होने चाहिए थे? होना चाहिए, होना चाहिए था। थोड़े गांव में ऐसे करते हैं, छोटे की लाज भी तो रखनी पड़ती है ना, नजर की शर्म होती है। ये वो गांव की बहुए जो मोकान के ऊपर ये घूंघट भी ऊपर कर लेंगी, लेकिन लाज शर्म के मारे शपथ ग्रहण में अपना घूंघट भी नीचे करे रखा, ताकि बुढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी बना रहा है, मान सम्मान बना रहा है। तो किसाक लगे की पंच की शपथ ले ली? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या काम करवाओगे सबसे पहले? गाँव में जो भी काम होएगा वो सब करेंगे, सरपंच के साथ मिलके काम कराएंगे जो भी। अच्छा, आप बताइए, आपकी बहू लगे ये बहू के काम कराओगी? बहू बढ़िया काम कराओ जी, सरपंच मारा कर गा है। बहू पंच बन गई, के लग गया चौधर, बहू का हाथ माजे की घर की? बहू के हाथ में रहेगी चौधर, तो लेकिन मैं सागे रहूंगी। छाती दान के कवे ताई, मैं आगे रहूंगी। बहू ने अकेले नहीं छोड़ूंगी, साथ रहूंगी। पंच बन गई, घने सारे अधिकार इसके साथ में आगे, के लग गए कहीं ना कहीं आपसे ऊपर, कहीं चौधर मैं साइड में कर दे कि मैं आगे रहूंगी। तो कोई बात नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, मेरी माँ सबसे आगे है। मैं रह चुकी हूँ जी। अच्छा, हाँ, मैं प्रधान भी है मेला मंडल की और पंच भी थी। रैली जी, ये सारा कुछ रैली गंगुए की सरुती सरपंच और ये ना, ये बहुत ज्यादा रैली। आप बताइए, क्या लग रहा है कि क्या कुछ होने वाला है? बहुत बढ़िया विकास होने वाला है गांव में जी। अगर और गांव की बात की जाए, उसके मुकाबले गंगवा गांव के अंदर 10 महिलाएं पंच बनी है, कितना विकास करवा पाएंगी? बहुत ज्यादा विकास होगा जी, सरपंच को साथ लेके बहुत बढ़िया विकास होगा। सरपंच है, बहुत काम करने वाला लड़का है हमारा। एक पूर्व पंच भी हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए, पहले आप पंच थे, अब आपकी पत्नी को पंच बना दिया गया है सर्वसम्मति से, ऐसा कैसे हो रहा है कि पहले आपको बनाया गया अब उनको बनाया गया? मिली भगत क्या चल रही है? ये सभी का स्नेह और आशीर्वाद है जी, बड़ों का आशीर्वाद है। और थोड़ा सा मैं एक्टिव भी रहा हूँ, तो इसीलिए सभी ने कहा कि दोबारा इसी घर में पंच बनाया जाए, तो मेरी धर्मपत्नी को बना। तो क्या चुन करके आई है या फिर सर्वसम्मति से आई है? सर्वसम्मति से बनाया। कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 14 से। ठीक है, तो भाई आप लोगों ने देखा कि हिसार से लगते गंगवा गांव के अंदर ग्राम सचिवालय के अंदर शपथ दिलवाई गई है। हालांकि हमारे साथ जो है यहाँ पर सरपंच संरक्षक भी मौजूद है, पंचायती संरक्षक भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कैसा रहा शपथ ग्रहण समारोह। पंचायती संरक्षक रजत ठकराल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये बताइए, आज 3 स्तरीय लेवल के ऊपर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था, लेकिन गंगवा गांव की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर के कैसा रहा शपथ ग्रहण समारोह और क्या कुछ खास रहा? शपथ ग्रहण समारोह के अंदर आज 20 पंचों को शपथ दिलवाई गई, जिसमें से 10 जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट हैं और 10 जो हैं वो मेल कैंडिडेट हैं। सब ने बड़ी श्रद्धापूर्वक शपथ ली है और सरपंच श्री भगवान दास जी को शपथ दिलवाई है आज। तो यहाँ पे हमारे ग्राम संरक्षक का जो मेन जो रहता है, हमें अलग अलग ड्यूटीज़ सौंपी हुई हैं, जैसे कि गांव के अंदर कोई व्यायामशाला है, शिवधाम योजना है, या PPP जो बन रहा है उसके अंदर लोगों की कोई प्रॉब्लम है, तो उसके निवारण के लिए हमारे को एक होलिस्टिक अप्रोच देने के लिए जितने भी क्लास 1 ऑफिसर्स हैं हरियाणा को, सबको एक एक गाँव गोद में दिया गया है। तो हमने ये गाँव गंगवा लिया हुआ है, मैं पहले भी यहाँ पर आता रहा हूँ, तो बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है गांव की। यहाँ पे एक तालाब भी बनने जा रहा है बहुत बढ़िया,
तो कुल मिला के बहुत अच्छा गांव है और आगे भी इसकी डेवलपमेंट के लिए हम सरपंच का योगदान करते रहेंगे अपनी तरफ से जो भी हमारे से बन पड़ेगा। सर ये एक स्तरीय बात हुई, अगर जिला परिषद और ब्लॉक समिति की बात की जाए तो उनका शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पर चल रहा है? जिला परिषद और जो आपके ब्लॉक समिति के कैंडिडेट्स हैं उनका जो चल रहा है वो डीसी ऑफिस में चल रहा है, उनको बीडीपीओ और डीसी सर जो है वो शपथ दिलवाएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि तीन स्तरीय शपथ ग्रहण समारोह पहली बार हरियाणा के अंदर आयोजित किया गया है। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं कि गंगवा गांव के अंदर पंच और सरपंच को शपथ दिलवा दी गई है। एक जगह सरकार की तरफ से निर्धारित की गई थी जहां पर तीनों के जो है शपथ ग्रहण समारोह थे, हालांकि पंच सरपंच के एक जगह थे, जिला परिषद के जो है दूसरी जगह थे। वहीं ब्लॉक समिति की बात की जाए तो बीडीपीओ ऑफिस के अंदर ब्लॉक समिति मेंबर्स के शपथ ग्रहण समारोह रखे गए थे, सभी को मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन आकर के शपथ दिलवाई है। खैर अब देखने वाली बात यह है कि छोटी सरकार का चुनाव हो चुका है, शपथ मिल चुकी है, लेकिन विकासशील कार्य कितने होने वाले हैं जो लगभग दो साल से नहीं हो पा रहे थे, गांव के अंदर काफी सारी समस्याएं आ रही थी। देख लेते हैं अब आगे आने वाले समय के अंदर सरपंच चुने जाने के बाद क्या कुछ होने वाला है, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और आपके